नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6, 7, 8 हिंदी सेकेंड वर्तिका में उपसर्ग और प्रत्यय या शब्द रचना चैप्टर पढ़ेंगे। शब्द रचना, शब्द रचना से तात्पर्य है शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया। किसी भी भाषा के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं, उन उपायों के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अप, प्रा, परा, सम आदि, ये सभी क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। उपसर्ग के भेद, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी या फिर विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। संस्कृत, संस्कृत के उपसर्ग, ये उपसर्ग हिंदी में संस्कृत से यथावत ग्रहण कर लिए गए हैं। जैसे निम्नलिखित है ये, आ, अति, अधि, इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं। जैसे आ, आ का अर्थ क्या होता है? अभाव या निषेध, और इससे बना जो हमारा शब्द है, जैसे अकर्म, अकर्णीय, अचल, अगम। अति, अति का अर्थ होता है सामान्य से अधिक, और हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जैसे अतिभोग, अतिशय आदि। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ या प्रधान, जैसे अधिकार, अधिकृत, अधिशुल्क। अभी, अभी का मतलब होता है सामने, पास या कुशल, जैसे अभिनंदन, अभिनय, अभिप्राय आदि। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या अनुकूल, जैसे अनुगमन, अनुज्ञा। इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं। अब देखते हैं हिंदी के कुछ उपसर्ग, जैसे अध, अध का मतलब होता है आधा, जैसे अधकिला, अधपका। अन, अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध, जैसे अनजान, अनपढ़। उन, उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे 19, 29, 49, 59। अव, अव का अर्थ होता है हीन, रहित। अवगुण, अवतार, अवसाद, अवसर आदि। इस तरह से कुछ विदेशी उपसर्ग देखते हैं, जैसे कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, जैसे कमजोर, कम अक्ल, कम खर्च आदि। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुशबू, खुश नसीब, खुशखबरी, खुश दिल आदि। गैर, गैर का अर्थ होता है भिन्न, जैसे गैर जिम्मेदारी, गैर हाजिरी, गैर कानूनी आदि। ना, ना मतलब नहीं, नालायक, नादान आदि। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय, जैसे अंतः मतलब भीतर, अंतर्मन, अंतःपुर, अंतर्धान आदि। अधा, अधा का अर्थ होता है नीचे, जैसे अधःपतन, अधोलिखित, अधोमुखी। अलम मतलब बहुत, अलंकार, अलंकरण, अलंकृत। बहि मतलब बाहर, बहिष्कार, बहिरंग, बहिमुख, बहिद्वार आदि। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे दुकान, अगर दुकान शब्द है और उसमें हमने दार प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया दुकानदार। सब्जी, सब्जी है और हमने उसमें वाला जोड़ दिया तो बन गया सब्जी वाला। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं त्वधित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा या विशेषणों की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मन क्रिया के धातु का मूल रूप है और हमने उसमें अन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? मनन। टहल प्लस ना, क्या बन गया? टहलना। अर्च प्लस अना, क्या बन गया? अर्चना। चिंत प्लस अन, क्या बन गया? चिंतन। छल प्लस आवा, बन गया छल आवा। लिख प्लस आई, क्या बन गया? लिखाई। इस तरह से त्वदित प्रत्यय क्या होते हैं? त्वदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भूख प्लस आ, बन गया भूखा।
बुरा प्लस आई, अगर बुरा वर्ड में हम आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाता है बुराई। उपज प्लस आऊ क्या बन गया? उपजाऊ। घर प्लस आना क्या बन गया? घर आना। तो इस प्रकार बच्चों आपकी बुक में उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण दिए हुए हैं। आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो साथ में सारे उदाहरणों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद बच्चों आपके सभी नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।